आप पेनल्टी नहीं देते हैं 1000 रुपये का, तो आपका पैन कार्ड जो इनवैलिड हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, और फिर आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि आधार को जो है आप अपने पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। आप लोगों ने ये नोटिस तो सुना ही होगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, और इनका जो लास्ट डेट है लिंक करने का वो है 31 मार्च 2023 तक, यानी कि इस मंथ के अगर 31 तारीख तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो उसके बाद आपका जो है पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, और उस पैन कार्ड को फिर से वैलिड करने के लिए आपको आधार से जो है पैन को लिंक करना होगा। इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी देना होगा 1000 रुपये का। तो आप समझ रहे हैं, 1000 रुपये बर्बाद करने से अच्छा है कि उससे पहले ही 21 मार्च तक जो है आप अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए। आप पेनल्टी नहीं देते हैं 1000 रुपये का, तो आपका पैन कार्ड जो है इनवैलिड हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, और फिर आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ जाएगा। सबसे बेहतर यही है कि टाइम रहते हुए आप अपने पैन को जो है आधार से लिंक कर लें। तो लिंक करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स ऐसे करके सर्च करेंगे, उसका जो है पहला वेबसाइट खुलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, यानी कि incometax.gov.in। ये लिंक जो है हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप तुरंत खोल सकते हैं। इस लिंक को आप जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक योर पैन, लेकिन आपको यहाँ पे पहले देख लीजिए, लिंक करने से पहले आप एक चीज और चेक कर लीजिएगा कि आपका लिंक ऐसा तो नहीं है कि पहले से लिंक है। आप ये जानेंगे तभी ना, अगर पहले से लिंक है तो लिंक करने का क्या जरूरत है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्विक लिंक्स में देखेंगे, ई वेरीफाई रिटर्न्स, लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार। इसमें जो सेकंड नंबर पे है लिंक आधार स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका आधार जो है पैन से लिंक है या नहीं है। तो ये हम लोग आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिंक आधार स्टेटस में जाएंगे तो आपको चेक करने को मिल जाएगा कि आपका आधार और पैन जो है एक दूसरे से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आपको हम बताएंगे कैसे लिंक करना है, और अगर लिंक है अब यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो आपको ये जो है व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए ये जो मैंने नंबर डाला है पैन और आधार का, ये जो है ऑलरेडी लिंक है आधार से। यहाँ पे लिखा गया योर पैन नंबर इतना इज ऑलरेडी लिंक्ड गिवन आधार नंबर इतना। तो अगर आपका पहले से लिंक होगा तो ऐसा करके पॉप खुलेगा, और तो आपको यहीं पे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जो है निश्चिंत हो जाना है। लेकिन अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, फिर से होम पेज पर जाएंगे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। उसके बाद होम टैक्स पे जाने के बाद क्या है, लिंक योर पैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लिंक आधार कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक योर पैन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिंक योर पैन विद आधार क्लिक करना है। बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने से खुद से फोन में भी कॉल कर ये कर सकते हैं, फोन में कॉल कर भी चेक कर सकते हैं, और फोन में कॉल कर इसको लिंक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऐसा करके खुलेगा, इंटर डिटेल्स में आपको सबसे पहले जाना है। यहाँ पर आपको अपना पैन का नंबर डालना है। आप पैन का नंबर जैसे डालेंगे उसके नीचे जो आधार का नंबर डालेंगे, उसके बाद जो है आपको इसमें ध्यान रखने वाला क्या बात है, कुछ कुछ कारण की वजह से अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हो रहा तो उसका ये सब कारण हो सकता है। जैसे पहला कारण क्या है, आप NRI हैं। अगर आप NRI नहीं है तो आपका तुरंत लिंक हो जाएगा। आप इंडिया का सिटीजन नहीं है तो नहीं होगा। अगर आपका उम्र या फिर 80 साल का है तो आपका नहीं होगा। और अगर स्टेट ऑफ रेसिडेंसी असम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर, अगर आप असम के हैं, मेघालय के और जम्मू कश्मीर के, तो इस वजह से भी आपका जो है पैन और आधार लिंक नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, पैन नंबर डालना है, नीचे जो है आधार नंबर का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसका जो आप वैलिडेट कर देंगे, आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपको एक नया विंडो देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन का, आपको उस वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसका जैसे ही ओके करेंगे स्टेटस आएगा, स्टेटस में जो आपका दिख जाएगा कि आपका पैन से आधार लिंक हो चुका होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें क्या दिया गया है, अगर 31 मार्च 2023 तक आपका आधार पैन से लिंक नहीं होता है तो आपको 1000 रुपये का ई पे टैक्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो आपको उस पेनल्टी से बचने के लिए अभी यही करें, इस वाली वेबसाइट पर जाइए और अपना पैन और आधार को लिंक कर लें। तो का क्लियर हो गया कि कैसे अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।